Hey everyone, welcome to Biology in Minutes with Dipali Mehra. So today's video on how to study in winters, कि सर्दियों में कैसे पढ़ें. As we know कि आपके board exam start होने वाले हैं, even minor subject के तो start भी हो चुके हैं. तो अब हमारे exam start होने वाले, exam start हो चुके हैं, अब हमें पढ़ना तो पड़ेगा, right? अब हमें अपनी preparation तो continue करनी होगी. बट सर्दियों में आती है हमें दिक्कत, है ना. हमें विंटर्स में क्या होता है, अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़े, अगर हम अपने कंबल में रह के पढ़े, तो हमें आती है नींद, आलस, राइट. अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाए, कंबल से बाहर निकल के पढ़े, तो हमें लगती है ठंड. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 टिप्स, जिसको फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू गेट मैक्सिमम ऑफ मार्क्स. सो टिप नंबर 1, वेक अप अर्ली, कि सुबह जल्दी उठे. अब आप बोलोगे दी ठंड में तो वैसे ही नहीं उठा जाता, आप जल्दी उठने की बात कर रहे हो, बट रियलिटी यही है कि जितना जल्दी उठोगे वाकई में ही उतनी ठंड कम लगेगी. एक प्लस पॉइंट है कि टॉपर्स हमेशा जल्दी उठते हैं. एक और पॉइंट कि जितना भी आपका लर्निंग पोर्शन होता है ना, जितना भी आपका याद करने का पोर्शन होता है, उसको आप मॉर्निंग में कवर करें, और जितना भी आपका राइटिंग पोर्शन होता है, जैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको डेरिवेशंस करने हैं, उन सारे काम को आप अपने आफ्टरनून और नाइट के लिए रखें, क्योंकि लिखते समय हमें नींद कम आती है जितना याद करते समय आती है. इसलिए मॉर्निंग में जब आप उठते हो, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपको चीजें अच्छे से समझ आती है, आपको जल्दी लर्न होता है. एक और पॉइंट, जितनी जल्दी उठोगे उतनी जल्दी पढ़ने बैठोगे, और जितनी जल्दी पढ़ने बैठोगे उस पर्टिकुलर डे का आप टारगेट उतनी जल्दी ही कंप्लीट करोगे. जब आपके टारगेट्स कंप्लीट होंगे तब आप मोटिवेट रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, और जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपके एग्जाम्स और बढ़िया. और हाँ, जितना लेट उठोगे उतने ही काम आपके सारे डिले होते रहेंगे. आप यही कहते रहोगे 5 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा, 5 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा, और पूरा दिन आपका ऐसे ही निकल जाएगा. जितना जल्दी उठोगे उतने जल्दी पढ़ने बैठोगे, क्योंकि मॉर्निंग में आपको कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होगा, कोई दूसरा काम नहीं होगा, आप सीधा पढ़ोगे. सो वेक अप अर्ली. सो टिप नंबर 2, डू सम एक्सरसाइजेस. जैसा कि आप जल्दी उठ गए हैं, जल्दी उठने के बाद आप पढ़ने भी बैठ गए हैं, और उसके बाद भी आप बहुत ज्यादा स्लीपी फील कर रहे हैं, आपको बहुत नींद आ रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद भी नींद आ रही है, एक ग्लास पानी पी लीजिए, अपने रूम के 4-5 राउंड लगा लीजिए, उसके बाद भी आपको नींद आ रही है, तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, है ना, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली आपकी नींद खुल जाएगी. सो टिप नंबर 3, यूज टेबल एंड चेयर, कि आप जब भी पढ़ने बैठे आप टेबल और चेयर का यूज करें, है ना, क्योंकि आपका सिटिंग पॉस्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि वैसे ही सुबह आप जल्दी उठे हो ना, अपनी नींद से उठकर पढ़ने बैठे हो, और उसी टाइम अगर आप अपने बैड को प्रीफर करोगे, आप अपने बैड पे पढ़ने बैठोगे, तो डेफिनेटली थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाएगी. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको टेबल और चेयर का यूज करना है ना. आप बैड का भी यूज कर सकते हैं, बट फिर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है. जैसा कि आपने अपनी पूरी 6 to 8 आवर की नींद कंप्लीट कर ली है ना, आप जो उठे हैं वो बिल्कुल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन उठे हैं, विदाउट एनी अलार्म उठे हैं, ठीक है, आपकी नींद कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आप अपने बैड को प्रीफर कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, कि हाँ भाई मैं बैड पे बैठ के पढ़ सकता हूँ. बट हाँ, उसके लिए भी आपका माइंड सेट होना चाहिए कि अब मुझे सिर्फ पढ़ना है. टिप नंबर 4, प्रॉपर कवर योरसेल्फ, कि अपने आप को प्रॉपर तरीके से कवर करें. जैसे कि आप सुबह जल्दी उठे हो, जल्दी उठ के आप पढ़ने बैठे हो, आप टेबल चेयर पे गए हो पढ़ने के लिए ना, आपको ठंड लगेगी क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, राइट. आपको ठंड लगेगी, आप क्या करोगे, आप दोबारा कंबल में आ जाओगे पढ़ने के लिए. आप कंबल में बैठ के आप पढ़ रहे हो, वही आप बहुत ज्यादा लेजी फील करोगे, आप स्लीपी स्लीपी फील करोगे, आफ्टर दैट आप सो जाओगे. यही आपको नहीं करना है, आपको नहीं सोना है, आपको कंबल के अंदर नहीं जाना है, है ना. आपके जितने भी एक्सपोजर पार्ट है जहां से आपको ठंड लग सकती है, आप उन सबको कवर करें. आप जैकेट्स की लेयरिंग कर सकते हैं, है ना, सॉक्स पहन सकते हैं, कैप पहन सकते हैं, जिससे आपको ठंड ना लगे. इस तरीके से आप अपने आप को पूरा कवर कर सकते हैं. जब पूरा कवर कर लोगे तो आपको कंबल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कंबल में नहीं जाओगे, उसको इग्नोर करोगे, उससे दूर रहोगे, तो आपको नींद नहीं आएगी. सो टिप नंबर 5, डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर, कि सर्दियों में पानी को पीना इग्नोर ना करें, पानी पीना ना भूलें, क्योंकि हम वी हैव टू नो कि हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी से बनी है, राइट. और हमारी बॉडी का जो हर सेल है, एवरी सेल, टिश्यू, ऑर्गेन नीड्स टू वाटर टू वर्क प्रॉपरली, राइट.
जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है वो यूज करती है वाटर को टू मेंटेन टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर के साथ साथ आपको वेस्ट को रिमूव करने के लिए भी हेल्प करती है, ल्यूब्रिकेशन भी क्रिएट करती है हमारी जॉइंट्स में। अगर हम पानी नहीं पियेंगे इतने सारी फंक्शन को वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी, राइट। फंक्शन परफॉर्म नहीं होगी, हमें डिहाइड्रेशन होगी, हमें वीकनेस आएगी, हम टायर्ड फील करेंगे। और जब हम वीकनेस आती है, टायर्ड रहते हैं, तो डेफिनेटली हमसे कोई काम नहीं होता, तो इवन हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी पानी पीना ना भूले। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप नंबर 6, एवरी स्टूडेंट टू नो योर पीक टाइम। हर एक स्टूडेंट को अपना पीक टाइम पता होना चाहिए कि वो किस समय किस टाइम फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सकता है, राइट। कि उस समय उसे कोई डिस्ट्रेक्शन ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई शोर ना हो, कुछ भी ना हो, वो अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सके। ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को पता होता है कि मैं मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से अगर मैं 8 बजे तक पढ़ूंगा, उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो विंटर्स में सारे काम लेट स्टार्ट होते हैं, राइट, सब लेट उठते हैं, लेट काम स्टार्ट होते हैं, तो मुझे उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मेरा पीक टाइम होगा, मैं इस समय फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ूंगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फैमिली जो वर्किंग होती है, राइट, वो सुबह जल्दी उठ जाती है उनकी फैमिली, तो उस टाइम पे डिस्टर्बेंस हो सकता है, थोड़ा सा शोर हो सकता है। तो उन स्टूडेंट्स को पता होता है कि जो मेरा पीक टाइम है वो मॉर्निंग के सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक है, कि इस समय मैं अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सकता हूँ। तो हर स्टूडेंट को अपना पीक टाइम पता होना चाहिए, उस टाइम को वो अच्छे से यूटिलाइज करे और